एम्प मीटर भी वाइट हो गया। ओए कितना प्यारा लग रहा है। और अपना ये वाला मीटर भी वाइट हो गया है। इसी के नीचे ना यहाँ पे ये सॉकेट होता है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाला सॉकेट होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे हाथ दूंगा और ऐसा करके निकाल लूँगा। बस ये निकल गया। अब देखो मैं इग्निशन ऑन करूँगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। देखो ऐसे इसको पकड़ो और ऐसे करके खींच लो तो ये आपका बल्ब जो है ये निकल जाता है। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? किंग्स आर्मी, और जिस आर्मी के अंदर सारे किंग्स हों उसमें तो मज़ा ही आ जाता है ना। सोचो कि हम कितने अच्छे अच्छे कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं जब हम सारे के सारे किंग्स ही हैं एक आर्मी के अंदर। अच्छा, लोगों ने दोस्तों ने ये पूछा था कि भाई ये एम्प मीटर तो आप लाइट जो लगा रहे हो ये तो ठीक है दे रहे हो आप, लेकिन इसको हम लगाएं कैसे? तो वो बहुत बड़ी बात थी कि लोगों को ये नहीं पता था कि इस लाइट को हम लगाएं कैसे। तो उसी के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। रोड पे मैं खड़ा हूँ, देखो ये एक जगह है मेरे ऑफिस और घर के रास्ते में पड़ती है, तो मैं बाइक से हूँ, आज मंडे है। अब मैं वो लगा के दिखाता हूँ। वो मैंने कल रात को वैसे लगा लिया था, उनका बहुत ही अच्छा आउटपुट है। तो अब मैं सबके सामने लगा के दिखाता हूँ और ये एक ट्यूटोरियल भी बन जाएगा कि जो लोग घर पे मंगा रहे हैं वो कैसे लगाएं अपनी बाइक्स में। तो आ जाओ देख लेते हैं। दोस्तों देखो, मैंने दुकान अपनी यहाँ लगा रखी है और ये स्क्रू ड्राइवर हमें अपनी किट में से मिल जाता है। कोई ज़्यादा बड़ी बातचीत नहीं है, मेरे को बस इस वाले स्क्रू को खोलना है मीटर के अंदर लाइट लगाने के लिए। और एक बार ही देख लेते हैं कि ये कैसे चेंज होती है। देखो बस इतना सा खोलूँगा मैं इसको, ये हेडलाइट यहाँ से निकाल के और नीचे रख दूँगा। ठीक है, अभी मैंने कैमरा पकड़ रखा है तो अच्छे से हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ मिस कर दूं कैमरे में, तो समझ लेना। देखो ये यहाँ पे ना लाइट होती है, ये देख रहे हो, ये होता है बल्ब। इस वाली तार को पकड़ के ना आपको खींचना है, दिखाता हूँ कैसे। ऐसे इसको पकड़ो और ऐसे करके खींच लो तो ये आपका बल्ब जो है ये निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने ये पुराना वाला बल्ब निकाल दिया इसमें से, ठीक है, जबकि ये नया वाला है जो कि मैं दे रहा हूँ। अब मैं इसी जगह दूसरा लगाता हूँ, ये रहा दोस्तों दूसरा, ये मैं दूसरा बल्ब अब इसमें लगाता हूँ। देखो सेम ही कनेक्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बस ये है कि या एक बार इसको लगा दो ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इसको एक बार ही लगाओ। अभी एक हाथ से ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो यार प्रॉब्लम हो रही है। बस इसको इसके अंदर डालना होता है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद चाबी ऑन करके देखो कि जल रहा नहीं जल रहा ना, अभी ये नहीं जल रहा। तो हमें क्या करना है, इसको पलट के लगाना है। अब मैं इसको पलट के लगाता हूँ। ओके, एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही थी तो मैंने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से पलट के लगाया। अब देखो मैं इग्निशन ऑन करूँगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। देखो हो रहा है ना। अब जहाँ से मैंने इसको निकाला था वहीं पर ही मैं इसको ऐसे करके घुसा देता हूँ। देखो यहाँ से निकाला था, यहीं से निकाला था ना, इसको ऐसे करके यहाँ पे बस घुसा दिया और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करो, आप अपना इग्निशन ऑन करो और मीटर में देख लो, वाइट कलर की लाइट जलती हुई मिल जाएगी। कितना सुंदर लग रहा है, रात को बहुत ही अच्छा लगेगा। टाइगर आइज कैसे चेंज होती हैं, ये वाला वीडियो मैंने बना ही दिया था। देखो एम्प मीटर की लाइट लगाने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर जहाँ एम्प मीटर होता है ना इसी के नीचे ना यहाँ पर ये सॉकेट होता है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाला सॉकेट होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे हाथ दूंगा और ऐसा करके निकाल लूँगा। बस ये निकल गया, देख रहे हो, ये रहा बल्ब जो मैंने लगा रखा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये वो बल्ब है जो मैं लगा रहा हूँ, जैसे पुराना बल्ब निकाला था वैसे ही मैं नया वाला बल्ब इसके अंदर लगा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी मीटर वाला लगाया ना, बस ऐसे ही लगाना है, लेकिन उसके लिए दो हाथ चाहिए तो मेरे को अभी कैमरा हटाना पड़ेगा। तो ये मैंने लगा लिया है दोनों हाथों से एम्प मीटर का बल्ब। अब इग्निशन ऑन करके देखो कि ये ऑन हो रहा है ना इग्निशन पे, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है कि जहाँ से ये एम्प मीटर निकाला है ना, जहाँ से आपने ये एम्प मीटर का होल्डर निकाला था, इसको वहीं के वहीं दोबारा से घुसा दो बस। अब अपना इग्निशन ऑन करके देखो, एम्प मीटर भी वाइट हो गया। ओए कितना प्यारा लग रहा है। और अपना ये वाला मीटर भी वाइट हो गया है। अब बस ये होल्डर के अंदर मैं हेडलाइट लगाता हूँ और फिर बंद कर देता हूँ उसको। और फिर आप जब ये बंद बंद कर लो ना, पैक वैक कर लो, तो एक बारी ऑन करके देखो कि हाँ भाई सारी लाइटें जल रही हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने छोड़ दी हो। फिर
फिर ये देख लो मीटर की, ये भी वाइट जल रही होगी, और फिर ये देख लो एम्प, ये भी वाइट में ही होगा। तो बस यही छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने दोस्तों ने कहा था कि यार एक वीडियो ही बना दो, अगर इतने सारे वीडियो बनाते हो तो इन चीज़ों के भी एक एक वीडियो बनाया करो। तो मैंने ये सोचा कि हर एक चीज़ का ना अब मैं एक वीडियो तो बनाऊंगा, मतलब ऐसा जो होगा DIY, मतलब डू इट योरसेल्फ टाइप्स। बाकी अपने वीडियोस तो चलते रहेंगे, ठीक है, रिव्यूज़ के, नई नई चीज़ों के, या और कोई नई चीज़ टेक्नोलॉजी आती है तो उसके। तो बस यही था ये वीडियो, अगर पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये जो एम्प मीटर की लाइटर है, इतना छोटा बल्ब कोई नहीं देता, किसी के पास नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने भागा दौड़ी करके मैं लेके आया इसको, और मैंने सोचा कि चलो यार देते हैं, सबको मज़ा आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मेरा वही वाली बातचीत, अच्छे अच्छे काम करो, खुशी से रहो, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।